तो उसका जो एंड सेशन है वो आपका इवेलुएशन में कंप्लीट होता है और जब हम इवेलुएशन करते हैं तो इवेलुएशन केवल हमारे लिए ये नहीं तय करना है कि बच्चे ने क्या अचीव किया वो पास है या वो फेल है इसके साथ साथ हमें ये भी तय करना होता है ये भी डिसाइड करना होता है कि जो हमारा बच्चा है उसकी अगर कुछ कमियां हैं तो हम अपनी टीचिंग लर्निंग टेक्निक से उसको कैसे और मदद करके मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं तो जो इवेल्युएशन है उसको भी एज अ टीचर हमें यूज करना चाहिए For modification of our teaching learning situations and the experience we are going to provide our learner in our classroom. तो जो आज का सेशन है उसमें हम एक्चुअली ये जानने की कोशिश करेंगे आ, जो लोग एजुकेशन के एरिया से आए होते हैं उन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये सारी चीजें पढ़ाई गई होती हैं और वो Uh, किसी भी लर्नर की जो कैपेबिलिटी है अबाउट द लर्निंग वो कैसे uh, सीखता है इसके बारे में वो काफी अच्छे से जानते हैं लेकिन इन जनरल हमें इन कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता है तो uh, जो हमारे एच आर डी सी के शेड्यूल uh, में यूजीसी ने जो ये चीज रखी है ट्रेनिंग शेड्यूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम एज अ टीचर ये फाइंड uh, आउट करने में कैपेबल हो जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अगर हमारे क्लासरूम में है तो वो किस एज स्पेसिफिक है किस कंटेंट से उसे हमें डील करना है तो वहां पे जो हमारे एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटकम मिले तो आज हम इसीलिए इस टॉपिक को डील करेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग as well as the participant of learning that is learner okay so uh, see the recent structure of our teaching learning system in india Kya hai? Uh, बच्चे को लगातार बताना कि हाँ ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो उसके माइंड में केवल इंफॉर्मेशन फिल करना कल भी मैंने बताया था कि देयर इज नो स्कोप ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एफेक्टिव एंड पोनेटिव डोमेन केवल और केवल कॉग्नेटिव डोमेन पे इम्फेसिस करना बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर भरने की कोशिश करना और ये अपेक्षा करना कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो उसी को रिप्रोड्यूस कर दे Uh, जो बैग का बर्डन है बोझ वो तो आप सबसे छुपा नहीं है आप खुद ही देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आज ये असाइनमेंट आज वो असाइनमेंट उस सब में कहीं ना कहीं एक थका सा महसूस करते हैं और जो एक स्कूल की बाउंड्री उनको कभी एक खुशी देती थी कि हम स्कूल जा रहे हैं बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे वो आज कहीं ना कहीं एक प्रेशर का एन्वामेंट बन गया है जहां पे बच्चे को ये लिबर्टी नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपने मन से अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ कर सके तो हमें यही सोचना है कि हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे अब अभी तो बच्चा स्कूल जा रहा था उसके पास बर्डन भी था अभी सिचुएशन ये आ गई है अगर हम स्पेशली हायर एजुकेशन में देखें तो बहुत सारा हमारा मोड स्विच ओवर हो गया है टू द ई लर्निंग अब ई e लर्निंग में बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं और अगेन मैं ये चीजें क्लियर कर दूं कि ई e लर्निंग से भी जो एक बेसिक प्रॉब्लम थी द ट्रेनिंग ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन वो तो पॉसिबल है लेकिन जब एफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग ई e लर्निंग के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो जैसे कि हमारे टीचर्स में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि आ, क्या जैसे अगर ये मूडल प्लेटफॉर्म ये स्वयं प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे हम तो वहां पे इतना ज्यादा काम करेंगे तो क्या वो दिन भी आएगा कि हमारी जो क्लासरूम की टीचिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी तो इसका एक लाइन में आंसर है क्लासरूम टीचिंग का जो इम्पैक्ट है डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है लेकिन कब जब आप अपनी टीचिंग में कॉग्नेटिव डोमेन की ट्रेनिंग के साथ साथ कोनेटिव और एफेक्टिव डोमेन की ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करें क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में केवल कॉग्नेटिव डोमेन को डीलिंग करना नहीं आता है वहां पे आपको आपके एफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन दोनों को ही डील करना जरूरी है और अगर एज ए टीचर आप लर्नर की कैपेबिलिटीज को समझते हुए इस मोड में अगर लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे आ, टीचर का रिप्लेसमेंट कोई भी ऑनलाइन लर्निंग टेक्निक नहीं कर सकते इसलिए आज हम जो ये डिस्कशन करेंगे दो सेशन में उनमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो एक ब्रीफ रिव्यू आपके सामने रख रही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे learning, learning, वो कौन -कौन से हैं जो लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं वॉट आर द अप्रोचेस ऑफ लर्निंग लर्निंग वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफरें सॉरी मैम हाँ? uh, नहीं ना देख नहीं रहा है। एक बार मैं स्टॉप करती हूँ एक्चुअली uh, मुझे अभी कोई एक मैसेज आया था अच्छा रिज्यूम शेयरिंग हाँ मैम नाउ विजिबल

यस मैम ट्रूथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम सिस्टम की बात कर रही थी कि ये बर्डन हम प्रोवाइड करते हैं ये इन्वायमेंट हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को ठीक है तो ये मैंने वो डिस्कस किया था मैं एक बार आपको रिकैप कर देती हूँ ई e लर्निंग के लिए मैंने ये स्लाइड डिस्प्ले की थी तो और कुछ नहीं किया था बाकी बस अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे हूँ जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीजें समझने वाले हैं जो हमारी टीचिंग लर्निंग के एक्सपीरियंसिस को बेटर बनाने के लिए जरूरी है ठीक है तो मैं इंडिविजुअल ने आपसे बात कर ली थी आ, ना, ये जो अभी हो रहा था वो भी एक मैं कह रही हूँ एक मैसेज है आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम होती है जब हम आज हम यही डील करेंगे आगे कि जब हम कोई चीज सुन रहे होते हैं और साथ साथ देख रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है तो जो ये प्रेजेंटेशन है जो ये आप आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम यूज करते हैं उन सबका भी नॉलेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए तो अगर मैं यहां से बोल रही हूं और अगर वो चीजें आपको विजिबल भी हो जाएं, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है रादर देन कि हम बोल रहे हैं लेकिन आपको क्या है वो चीजें दिखाई नहीं दे रही ओके okay? तो इसका हमारे सामने एक लाइव uh, एग्जाम्पल था जिसको कि हम समझ सकते हैं आगे मैं चलती हूँ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज and what is the importance and implication in educational settings uh fir hum aage discuss karenge different type of learning styles and uh, at the last role of cultural relevance on learning तो ये सारे पॉइंट्स of discussion हैं जो हमें आज यहाँ पे टेकअप करने हैं अब अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो जो आ, uh, हमारा जो माइंड uh, सेट बना था 1960 के अराउंड से जब ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस समय से हमने लर्निंग को एक सिंपल प्रोसेस uh, के फॉर्म में अडॉप्ट करना शुरू किया जहाँ पे उसको हम एक uh, ये मानते हैं कि हमारे सामने एक लर्नर आता है उसके पास कुछ uh, पहले से नॉलेज होती है जिसको कि हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं और टेक्निकल uh, टर्म में उसके लिए जो हमारे पास टर्म है उसको हम कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर uh, जो बच्चा हमारे सामने है जो लर्नर हमारे सामने है वो कोई ब्लैंक स्लेट या टैबुलर आशा तो है नहीं उसके पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज है कुछ ना कुछ नॉलेज वो पहले लेकर के आया है और अब वो हमारे सामने है तो उस प्रीवियस नॉलेज को हम एंटरिंग बिहेवियर कहते हैं या टेक्निकल uh, लैंग्वेज में बात करते थे तो इनपुट के लिए उसको बोलते हैं उसके बाद ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब आप क्लासरूम में उस बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो आप उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं जिसको कि हमने एक मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कहा है कि प्रोसेस प्रोसेसिंग तो वो प्रोसेसिंग क्या है अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और जब उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो एक्सपीरियंसेस जो हमने उसको क्लासरूम में प्रोवाइड कराने थे वो हम प्रोवाइड करा लेते हैं तो उसके बाद जो एक स्टेज है जिसमें उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाता है उसको हम ये कहते हैं कि इट इज टर्मिनल बिहेवियर ऑफ दैट वेरी स्टूडेंट और दैट वेरी लर्नर Uh, कल जब मैं डिस्कस कर रही थी तो मैंने इसके लिए एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी यूज करी थी मैंने कहा था कि इस टर्मिनल बिहेवियर को हम रियल बिहेवियरल आउटकम भी कहते हैं आर बी जो आ, हमारे लर्नर में एक था एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे लर्नर uh, में ये चेंजेस आएंगे लेकिन जो एक्चुअल चेंजेस होते हैं दैट वेरी चेंजेस आर कॉल्ड एज टर्मिनल बिहेवियर और आउटपुट और इसी को हम मेजर करते हैं रियल बिहेवियरल आउटकम के टर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन एंड असेसमेंट एंड अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फीडबैक फीडबैक आपने जो भी आउटपुट देखा जो भी आपने रिजल्ट देखा उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको आपके इनपुट में क्या इंप्रूवमेंट करने हैं साथ ही साथ ये इनकम्प्लीट एस्पेक्ट है जहां पे हम केवल इनपुट के फीडबैक की बात करते हैं हमें प्रोसेस के लिए भी फीडबैक की जरूरत होती है तो फीडबैक इज नॉट नेसेसरी फॉर द इनपुट ओनली इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस अप्रोच ऑल्सो दैट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फीडबैक कल हमने डिस्कस किया है अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक मशीन के तरह का जो एक अप्रोच है कि हमारे पास स्टूडेंट आया उसकी कुछ एबिलिटीज थी उसको हमने अपने क्लास रूम में बैठा के कुछ प्रोसेसिंग करी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू तो उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया सो दिस इज अबाउट द लर्निंग लेकिन आज ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि तो लर्निंग को समझने के लिए हमें जो ये प्रोसेस वर्ड है इस प्रोसेस वर्ड को डिटेल में जानना पड़ेगा क्योंकि तो जब तक एज ए टीचर हम इस प्रोसेस को डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक हम अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ द लर्नर इस प्रोसेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और हमारी टीचिंग लर्निंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी और अगेन हमें जो वो तीनों डोमेन को ट्रीट करना है वो तीनों डोमेन को हम ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे तो आज इस अप्रोच को छोड़ के हमारे पास इस प्रोसेस को जो ये इनपुट तो समझ में आता है आउटपुट में भी समझ में आता है लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोसेस ये प्रोसेस एक्चुअली होती कैसे है आज हमें इसके आंसर की जरूरत है और इसको हम समझने के लिए डिटेल में लर्निंग की प्रोसेस को समझेंगे so what is learning exactly so any relatively permanent change in behavior resulting from experience is learning another definition uh, for learning is the modification of behavior through experience and training learning is the acquisition of habits knowledge and attitude learning is a process of प्रोग्रेसिव बिेवियर अडेप्शन ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दू के लर्निंग की कैटेगरी में हम कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं रखते हैं जहाँ पे बच्चा आपके सोसाइटी या अपने लिए या नेशन के लिए कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सीख रहा है तो इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फो सो फॉर लर्निंग इट शुड बी द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर Adaption another definition is a change in human disposition or capability that persists over a period of time and is not simply referable to process of growth is called as learning Now. ये सारी डेफिनेशन हमने देखी अलग अलग तरीके से हमने लर्निंग को डिफाइन किया तो अब हम ये समझ लें कि एग्जैक्टली exactly लर्निंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कि हमें समझना है तो थ्री बेसिक कंपोनेंट्स निकल के बाहर आ रहे हैं जिन पे कि हमें ध्यान देना है पहला द ड्यूरेशन ऑफ द चेंज इज लॉन्ग टर्म रेदर देन शॉर्ट टर्म ओके कोई भी शॉर्ट टर्म चेंज जो बिहेवियर में होगा वो लर्निंग नहीं होता है अगर कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन लॉन्ग टर्म का है तो वो क्या है आपका लर्निंग की कैटेगरी में आता है तो आप इसको सबसे पहले देख लें कि इट शुड बी लॉन्ग टर्म बिहेवियर मॉडिफिकेशन और लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्किल एक्विजिशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको लर्निंग नहीं कहेंगे नेक्स्ट लोकस ऑफ चेंज इज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन मेमोरी ऑफ और बिहेवियर ऑफ द लर्नर जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो चेंज है जो लोकस ऑफ चेंज है जहां से वो चेंज गवर्न हुआ है वो कहाँ होना चाहिए मेमोरी लेवल पे होना चाहिए और तभी वो लॉन्ग टर्म हो पाएगा अदरवाइज वो थोड़े समय बाद क्या होगा भूल जाएगा ड्रग्स फिजिकल कंडीशन और फिजियोलॉजिक इंटरवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग के लिए ये भी जरूरी है कि जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हमारे लर्नर में हो रहे हैं वो ऐसे हो जो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उनके मेमोरी लेवल पे नॉर्मल कंडीशन में हो रहे हों कहीं पे भी कोई स्पेशल फटीक का लेवल ना हो कोई अलग सा ड्रग्स का यूज़ ना किया गया हो कोई अलग सी कोई फिजिकल कंडीशन ना हो कोई अलग से कोई फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन ना किया गया हो जैसे मान लिया कभी कभी कुछ ऐसे बिहेवियर देखने को मिलते हैं मान लिया कोई ड्रग के इफेक्ट में है या अल्कोहल के इफेक्ट में है तो वो जो बिहेवियर्स हैं ऑब्वियसली दे आर शॉर्ट टर्म बिहेवियर तो दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ लर्निंग फिर भी हम इन सब किसी भी कंडीशन में जो भी बिहेवियर हमें दिखाई देता है इसको भी हम लर्निंग के कैटेगरी में नहीं रखेंगे तो एक लाइन जो समझनी है हमें लर्निंग के लिए तो लर्निंग इज अ चेंज रिलेट चेंज इन बिहेवियर एंड इट्स शुड बी रिलेटिवली परमानेंट तो कोई भी अगर ड्रग्स uh, या अल्कोहल या किसी भी फिजिकल uh, या फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन से कोई चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो परमानेंट नहीं होगा और अगर कोई परमानेंट चेंज नहीं है तो वो लर्निंग नहीं है ओके सो वॉट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अगर हम लर्निंग को समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हमारा एक लर्नर तो लर्निंग तो सबसे पहले इट इज इट कैन बी डिस्क्राइब एज एन एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस लर्निंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे ने लर्निंग की स्टेजेस में सीखा है वो जो एक्सपीरियंसेस उसने एक्वायर किए हैं वो एक्सपीरियंसेस उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं और उन एक्सपीरियंसेस को वो किसी दूसरी सिचुएशन में यूज भी कर सकता है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक्सपीरियंस एक्विजिशन पे प्रोसेस uh, पे हमें ध्यान देना है तो एज ए टीचर हमें अगर ये पता है तो हम अपने क्लासरूम में बच्चे को केवल मेमोरी के ऊपर ना फोकस करके हमें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग का मतलब है कि जब हम उसको किसी स्पेशल एक्सपीरियंस में एक्सपोज करें वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताना है तो चाइल्ड लेबर के बारे में हम क्लासरूम में बताते रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं हमने बच्चे के अंदर एक इंफॉर्मेशन भर दी तो इंफॉर्मेशन भर देना इज नॉट लर्निंग लर्निंग इज व्हेन पॉसिबल जब आप उसको एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस में ले जाए तो क्या अगर हम चाइल्ड लेबर की फील्ड पे उसको अगर विजिट करा सकते हैं तो अगर हमने वहां पे विजिट कराया देन एग्जैक्ट लर्निंग इज पॉसिबल आर यू गेटिंग माय पॉइंट Uh, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप चैट uh, बॉक्स में डालिएगा या बीच में पूछ भी सकते हैं अनम्यूट करके uh, किसी भी स्टेज पे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है पहले मैंने बताया कि एक्विजिशन

किस तरह से हम उसको मॉडिफाई करके यूज करेंगे ये भी लर्निंग है एक टर्म आता है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब हम आ, किसी भी बच्चे को कोई भी कंटेंट प्लान कर रहे होते हैं जब हम प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे काम करते हैं तो वहां पे ये कहा जाता है कि जो हम कंटेंट बच्चे के लिए प्लान करें इट शुड बी इंटर रिलेटेड जैसे कि बच्चा एक सब्जेक्ट की नॉलेज को किसी दूसरे सब्जेक्ट के एरिया में यूज कर सके तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में एक तरफ तो जहां बच्चे को उस पर्टिकुलर नॉलेज को जहां पे उसने वो एक एक्सपीरियंस एक फील्ड में एक्वायर किया था वहां तो मदद मिलती ही मिलती है उसको मजबूत बनाने में रिटेंशन में और उसका वो मॉडिफिकेशन करके किसी दूसरे जगह पे जब उसको यूज़ कर लेता है तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज उसके लिए क्या होता है रिलेटिवली परमानेंट हो जाता है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे ट्वेल्थ का अगर हम कंटेंट देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमेस्ट्री में और ये बायो में कॉमन होती हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन होती हैं तो जब बच्चा उन कंसेप्ट को पढ़ता है आप अपना समय याद करिए तो जैसे आपने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है रेट ऑफ रिएक्शन वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बायोलॉजी या फिजिक्स में पढ़ने को दोबारा मिल जाता है थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो पहली चीज ये होती है कि आप अपने उस एक्सपीरियंस को जिसको आपने रिटेन कर रखा है दूसरी जगह यूज कर सकते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंड वहाँ पे कुछ जो मॉडिफिकेशन करके आप उसको यूज करते हैं तो वो आपके लिए और ज्यादा उस लर्नर के लिए और ज्यादा स्टेबल हो जाता है और वो बिहेवियर रिलेटिवली परमानेंट हो जाता है अगर उसको वो कई जगह पे यूज करके देख लेता है जैसे आ, जो हमारे एक्सरसाइज होती हैं, मान लिया हम कोई भी कंटेंट डिलीवर करते हैं उस कंटेंट के बाद एंड में कुछ एक्सरसाइजेस दी होती हैं। तो एक्सरसाइजेज में इन जनरल अगर हम लोग बुक्स को देखें तो मान लिया एक पैटर्न का एक कोई क्वेश्चन है उसको बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो उसी पैटर्न के तीन चार और क्वेश्चन होते हैं पहले फिर उसके बाद एक जगह ऐसी आती है जहां से फिर से एक नई तरीके से सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम होती है बच्चा उस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है फिर से मॉडिफाई करता है अपने बिहेवियर को और उसको वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व करके फिर उस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व कर लेता है और ये टेक्निक स्पेशली जो टफ सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स आप लोगों ने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में क्या है एक तरह के क्वेश्चन होंगे तो फिर दस पंद्रह एक ही जैसे होते हैं भाई वो उस बिहेवियर को बार बार अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि बच्चे के लिए वो रिलेटिवली परमानेंट हो जाए उसके बाद एक सिचुएशन आती है जहां पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट मोड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो वो है मॉडिफिकेशन ऑफ दैट वेरी एक्सपीरियंस आप उस एक्सपीरियंस को किस तरह से मॉडिफाई करके दूसरी सिचुएशन में यूज करेंगे उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है नेक्स्ट इट रीएस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस इस पे मैं अभी डिटेल में बात करूंगी कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये कैसे कंप्लीटली लर्निंग uh, को डिफाइन uh, करने वाला फिनोमेना है uh, अभी uh, मैं जब लर्निंग में आगे बढ़ू उससे पहले जो एक बेसिक uh, कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग की uh, जब हम स्टिमुलस रिस्पांस की बात करते हैं तो वहां से हमें समझने की जरूरत है स्टीमुलस uh, रिस्पांस का मतलब ये है कि लर्निंग कब पॉसिबल है जब आप अपने क्लासरूम में अपने लर्नर को कोई एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके लिए का काम करती है, और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है वो सुन रहा है समझ रहा है आपने अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसके लिए वो क्या करता है रिस्पॉन्स करता है सो दिस इज द बेसिक स्टेप अगर हम Uh, थोड़ा सा क्लासरूम uh, सेटअप से निकल के बायोलॉजिकल सेटअप में आ जाएं तो वहाँ पे जब हम लर्निंग की बात करते हैं हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूस लर्नर तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है uh, अभी सबसे ज़्यादा क्या सीखना पड़ रहा है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचिंग लर्निंग एंश्योर करनी है तो सीखना पड़ रहा है इसके पहले तो लर्निंग के लिए दो तरह की एबिलिटीज में हम लर्निंग को क्लासीफाई करते हैं कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो किसी भी बच्चे के लिए किसी भी स्पीशीज के लिए वो चाहे ह्यूमन बींग हो या और कोई एनिमल बींग हो उसके लिए वो बिहेवियर इननेट बिहेवियर होते हैं इननेट बिहेवियर या इनको हम कहते हैं जन्मजात गुण और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो अक्वायर्ड बिहेवियर होते हैं तो जो लर्निंग है लर्निंग का कैटेगरी केवल उन्हीं अक्वायर्ड बिहेवियर के लिए है इन्नेट बिहेवियर के लिए नहीं है जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एक अगर बतख का बच्चा है वो अगर एक स्टेज के बाद अपनी मदर के साथ पानी में जाता है और वहां पे वो स्विमिंग करना सीख जाता है तो दैट वेरी स्विमिंग फॉर दैट वेरी डकलिंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम कहते हैं ना उसने सीख लिया स्विमिंग सीख लिया अच्छा स्विमिंग सीख लिया नहीं वो उसके लिए लर्निंग नहीं है क्योंकि अगर वो एक बतख है है तो वो लर्निंग उसके लिए वो स्विमिंग करने की एबिलिटी उसके लिए इननेट बिहेवियर है लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के लिए बात करें तो कोई भी बच्चा है वो तीन चार साल की स्टेज में आया उसके बाद उसको आप ट्रेनिंग के मदद से स्विमिंग सिखा देते हैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी स्टेज पे स्विमिंग सीख लेता है तो स्विमिंग में वो क्या सीख लेता है हाउ टू बैलेंस योर बॉडी इन वॉटर तो नॉर्मली

ये अगर कोई आप दो महीने के बच्चे को खूब सिखाना शुरू कर दें बीस बीस घंटे बैठा के तो क्या वो चलने लगेगा तीसरे महीने में बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि किसी भी चीज़ को जो इन्नीट बिहेवियर है सीखने के लिए प्रॉपर लेवल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए होता है प्रॉपर लेवल ऑफ मेच्युरेशन चाहिए होता है तो जब उसकी बोन्स इतना मैच्योर हो जाएंगी नाइन टू टेन मंथ्स का वो हो जाएगा उस समय अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करवा देंगे तो हो सकता है वो जल्दी चलने लगे लेकिन अगर आप उसको एक भी दिन भी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो भी वो आफ्टर वन ईयर या वन एंड हाफ ईयर वो नॉर्मली चलने ही लगेगा बिकॉज वॉकिंग इज इन्नीट बिहेवियर फॉर द ह्यूमन बींग्स तो इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि उसने चलना सीख लिया सो इट इज नॉट लर्निंग सीखना क्या है अगर आप नहीं, कोई मॉडलिंग के एरिया में है उसको आपने हाउ टू वॉक ऑन रैम्प ये सिखाया कि रैम्प पे कैसे वॉक करते हैं तो रैम्प वॉकिंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग क्योंकि वहां पे एक कोई इनिट बिहेवियर नहीं है वो इट्स अ काइंड ऑफ लर्न बिहेवियर है तो हमें जब अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंश्योर करना है तो हमें ये भी देखना होगा कि कौन कौन से बिहेवियर हमारे इननेट बिहेवियर हैं और कौन कौन से बिहेवियर हमारे लर्न बिहेवियर हैं जैसे स्पीकिंग uh, बोलना बोलना आपका इननेट बिहेवियर है बच्चा जो भी कुछ सुनेगा वो इमिटेट करके बोलेगा जरूर लेकिन कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखना एक पर्टिकुलर एबिलिटी के बाद अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी कमांड बनाई है इट इज अ लर्निंग तो बर्ड्स uh, के लिए फ्लाइंग उड़ना इट्स नॉट लर्निंग क्योंकि वो उनका इननेट बिहेवियर है अगर बर्ड है तो वो फ्लाई करेगी ही करेगी लेकिन किसी दूसरे के लिए फ्लाई करना इट इज नॉट पॉसिबल येट लेकिन अगर वो फ्लाई कर रहे हैं तो वो क्या है इट इज इट कैन बी कॉल्ड एज लर्निंग तो ये जो इननेट बिहेवियर और अक्वायर्ड बिहेवियर का डिफरेंस है तो लर्निंग को हमें यहां से भी डिफ्रेंशिएट कर लेना जरूरी है और लर्निंग के लिए ये मस्ट है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है वो लर्निंग नहीं है हमें बिल्कुल ये देख लेना है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटीज वैसे भी आ जानी है अब किस तरह से ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ uh, आगे आते हैं थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लू अगेन वॉट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इट इन्वॉल्व

ye पैटर्न ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को एंड अगेन लर्निंग about कंसर्न अबाउट and कोनेटिव एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि केवल कॉग्नेटिव डोमेन की ट्रेनिंग ही लर्निंग नहीं है लर्निंग में आपको कॉग्नेटिव के साथ साथ एफेक्टिव डोमेन और कोनेटिव डोमेन को भी आ, रखना पड़ेगा तभी आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस इज कॉग्नेटिव एनी चेंज इन इमोशन एफेक्टिव एंड कोनेटिव इज एक्शन ऑफ न्यू हैबिट्स और स्किल्स ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं अब जब कोई भी बच्चा डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है तो वो किस किस स्टेजेज में लर्निंग की प्रोसेस किस किस तरह से इसको समझने के लिए हमारे सामने एक हायर आर्की है जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग की हायर आर् है रॉबर्ट गैने ने बताई थी इसमें ये एट स्टेजेस आपकी लर्निंग के लिए बताए गए हैं जहाँ पे जो लर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो सिग्नल लर्निंग होती है सबसे पहले स्टेज पे सिग्नल लर्निंग व्हाट इज द सिग्नल लर्निंग जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो केवल अपनी चीजों को अपने जो इन्वामेंट है उसको समझने के लिए कुछ सिग्नल्स को यूज करता है जैसे उसको मान लिया आ, क्या समझ में आ रहा है कि हम किस सिचुएशन में हैं दिन है या रात है तो उसको वो कौन कौन से सिग्नल्स मिल रहे हैं ये आपके होते हैं तो उस अकॉर्डिंग उसकी एक रिस्पॉन्स होता है कि हमें क्या करना है और जब वो इन्वायरमेंट में है तो इन्वायमेंट में भी उसको कुछ सिग्नल्स हैं, जिसके हिसाब से उन सिग्नल्स को वो समझ के अपना लर्निंग की एक्टिविटी पूरा करता है अब सिग्नल लर्निंग के थोड़े से बाद वाले स्टेज पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइप ऑफ लर्निंग शुरू हो जाती है स्टिमुलस क्या है कोई भी ऐसा फैक्टर जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है जो आपके सेंसरी चैनल्स को स्टिमुलेट कर दे हमारे पांच सेंस चैनल होते हैं कौन-कौन से पांच सेंस चैनल हैं एनीबडी एक्सक्यूज मी मैडम इसको हम हिंदी हाँ. और मराठी में क्या कहेंगे स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग हम्म रिस्पांस इज अनुक्रिया और स्टिमुलस इज उद्दीपक ओके ओके नॉट तो उद्दीपक जैसे मैं बात कर रही हूँ कि स्टिमुलस क्या है मैंने अभी पूछा आप लोगों से कि हमारे फाइव सेंस चैनल होते हैं तो वो पांच सेंस चैनल कौन कौन से हैं मैम आईज नोज ईयर टंग एंड स्किन ठीक है eyes, nose, uh, ear, ये हमारे पांच सेंसरी चैनल्स हैं तो मैंने कहा कि स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज है उद्दीपक जो हमारे इन्वायरमेंट में है और वो हमारे इन पांचों में किसी भी सेंस चैनल को स्टिमुलेट कर दे जैसे मान लिया कि हम आ, कोई हॉट प्लेट हो रखी हुई है और अचानक से हमारा हाथ उस पर पड़ जाता है तो कैसे हमें पता चलता है कि वो प्लेट गर्म है हमारा जो सेंस चैनल स्किन है वो स्किन तुरंत हमें बता देता है वो मैसेज स्किन के थ्रू ब्रेन को पहुंच जाता है कि हाँ ये प्लेट क्या थी गर्म थी आंखों से तो हम देख रहे थे कि वो प्लेट है लेकिन आंखों से हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि वो गर्म भी हो सकती है तो हमने उसको छू लिया तो छूने से पता चला कि गर्म है तो हमने तुरंत हाथ वहां से क्या किया हटा लिया तो वो जो हॉट प्लेट थी टेम्परेचर इन साइड दैट वेरी प्लेट वो क्या था वो एक स्टिमुलस था जिसके अगेंस्ट हमने जो रिस्पॉन्स किया वो क्या था तुरंत हमने प्लेट से हाथ हटा लिया या जैसे हम कभी जा रहे होते हैं और जाते जाते हमारे पैर में कोई पत्थर अचानक से चुभ जाए तो हमें दिख भी रहा होता है वो पत्थर और तुरंत फील होता है कि हाँ ये पत्थर चुभ गया और तुरंत हम वहां से पैर वापस करते हैं और उस पत्थर के लिए क्या करते हैं उसको निकालने का कोई भी प्रोविजन करते हैं कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लर्निंग है इसको अगर मैं क्लासरूम में ले जाके चलूँ तो जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट है स्पेशली जैसे हमने केमेस्ट्री में बात करी तो केमिस्ट्री में आप लोगों को अगर याद हो uh, 10th, 12th तक सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप बहुत सारे uh, जो रेडिकल्स थे uh, उनको आप आइडेंटिफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ स्मेल कहा जाता था ना इसमें ऐसे uh, सड़े अंडे जैसी महक आती है या इसमें बहुत शार्प स्मेल होती है आप उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते थे या कभी देख के आइडेंटिफाई करते थे कि हरे पीले रंग की उसमें टेस्ट ट्यूब में गैस निकलती हुई दिखाई देगी तो वहां पे क्या है क्लोरीन कंपोनेंट है क्योंकि तो क्लोरीन का जो कलर है वो क्या है हरे पीले रंग का है व्हाइट कलर का धुआं है तो कहीं ना कहीं कार्बोनेट कॉम्पोनेंट है या कभी कभी हम एसिड और बेसिस की पहचान कराने के लिए कहते थे कि एसिड जनरली क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं छूने में स्लिपरी होते हैं तो ये सब क्या है हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने क्लासरूम में ये, यूज करते हैं कि ये, जो ये आपके लर्निंग में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं तो केवल इन्हीं के थ्रू लर्निंग पॉसिबल है लर्निंग के लिए कोई और तरीका ही नहीं है कि किसी और तरीके से लर्निंग हो जाए केवल यही पांच चीजें हैं जो आपकी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्यों क्योंकि बाहर हमारे शरीर के बाहर इन्वामेंट में जो भी कुछ प्रेजेंट है वो एक स्टिमुलस है और वो स्टिमुलस रिसीव करने का काम केवल ये हमारे पांच सेंस चैनल ही कर सकते हैं और हम इन्हीं पांच सेंस चैनल से वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं और ये जब हमारा बच्चा अर्ली स्टेज पे होता है तो वहां से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है जैसे मान लिया आप बच्चे को कभी डांट देते हैं तो बच्चा क्या करता है उसको पता है कि अगर हमें डांट पड़े तो हमें रोना है उसका रिस्पॉन्स क्या है डर डर के बाद उसने वो रिसीव किया कानों से उसको दिखा आपके बॉडी लैंग्वेज से उसको दिखा तो कानों से और आंखों से उसने ये रिसीव किया कि कौन सा स्टिमुलस है अब उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करना है उसको पता है और उसने अपने माइंड में सेट कर लिया कि अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो हमें इस तरह से रिएक्ट करना है या कभी वो भूखा है तो वो किस तरह से उसको क्या करना है कौन सा बिहेवियर करना है तो कोई भी, भी चीजें तो रिस्पॉन्स करेगा वो उसकी पार्ट ऑफ लर्निंग होती है और हम धीरे धीरे इन चीजों को सीखते रहते हैं और कंटिन्यूसली एक चीज जान लीजिए कि आप क्लासरूम में अगर है तो आपको अपनी लर्निंग के समय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय ये ध्यान देना है कि केवल और केवल आप इन पांच सेंस चैनल का यूज करते हुए ही अपने क्लासरूम में लर्निंग को पॉसिबल करवा सकते हैं और हम एज ए टीचर पता नहीं क्या समझने लगते हैं कि बच्चा अगर ऐसे बैठा है हमको देख रहा है तो वो हमको सुन ही रहा है वो हमको बिल्कुल समझ ही ले रहा है हाउ इट इज पॉसिबल अगर बच्चा ऐसे बैठा है बिल्कुल अटेंटिव है आपकी तरह तो आप एज ए टीचर ये क्यों सोच रहे हैं कि वो आपकी बात सुन रहा है क्यों क्योंकि कान से ऐसा तो कुछ पता नहीं चलेगा कि वो आपकी तरफ घूमेंगे तो वो आपको सुन रहा है कान अपनी पोजिशन में है वो आपकी तरफ देख रहा है लेकिन उसका ब्रेन कहीं और है वो अपने घर की बात सोच रहा है हॉस्टल की बात सोच रहा है और आप एज ए टीचर उसपे ध्यान नहीं दे रहे हैं और एट द एंड ऑफ दैट वेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप उससे ये एक्सपेक्ट कुछ एज इट इज रिप्रोड्यूस करना चाहिए लेकिन वो देख भले आपकी तरफ रहा था लेकिन वो सुन नहीं रहा था आपको क्योंकि सुनने के लिए उसको आपकी तरफ वो ध्यान देना था अटेंशन देना था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था तो एज अ टीचर आपको ये देखना है कि आप अपनी क्लासरूम में कैसे मैक्सिमम सेंसरी इनपुट्स को इंक्लूड कर लें और वो आपकी क्लासरूम में काम करने लगे अब जैसे मान लिया आप अपनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को एंश्योर कर रहे हैं आपको पता है कि अच्छा कहां से सुनना भी जरूरी है तो बच्चा केवल देख रहा है तो बीच बीच में आप क्या करेंगे चेक करते रहेंगे कि वो आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है तो कैसे चेक करेंगे बाई द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट Assessment as learning. आप तुरंत आपको लग रहा है कि ये ज्यादा सुपर अटेंटिव है हम लोग उस बच्चे को सुपर अटेंटिव कहते हैं कि आपके क्लासरूम में वो बिल्कुल ही आपको ध्यान से देख रहा है और तब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है उसका ध्यान कहीं और है तो हम तुरंत उससे क्या करेंगे एक क्वेश्चन पुटअप कर देंगे तो बताओ तो वो समझ जाएगा कि नहीं अब हमें वो उस वाले जो मैं सोच रहा था बात उससे निकल करके हमें अपनी आंखों के साथ साथ अपने कान को भी इस पर्टिकुलर क्लास में एफर्ट करना, करना, तो करना है कि मैक्सिमम सेंस चैनल अब हम लोग टेस्ट का अपने लर्निंग में बहुत ज्यादा तो यूज करते नहीं कभी कभी कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम अगर हम जैसे कुकिंग की बात करें कुकिंग की जो क्लासेस होती हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं टेस्ट को जरूर यूज करते हैं एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग कि जगह हमें किसी को सिखाना है कि आपने यहाँ पे नमक ज्यादा कर दिया या यहाँ नमक कम कर दिया या यहाँ तीखा है या ये टेस्टी है इसका ऐसा टेस्ट है इसका तो बिना टच टेस्ट किए हुए हम चीजों को नहीं समझ सकते तो वहां पे तो चलिए ठीक है इंपॉर्टेंट है साइंस में भी हम बच्चे को टेस्ट करने के लिए नहीं कहते हम अवॉइड करते हैं क्यों क्योंकि कुछ कुछ केमिकल्स जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं अब बात यह आती है कि अब बच्चे का आप दूसरा क्या सेंस चैनल क्लासरूम में फोकस करना चाहेंगे अब आपको ये देखना है कि जैसे मान लिया क्लासरूम में टेम्परेचर बहुत हाई है पंखे नहीं है गर्मी है अब उसकी जो स्किन है वो तो एक सेंसेशन ले ही रही है अब स्किन आपकी बात तो सुनती नहीं है ठीक है ना आपको देखती है लेकिन स्किन आपकी बच्चे की आंखें और कान आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन स्किन के साथ एक और जो सेंस चैनल जुड़ा हुआ है उसको लगातार गर्मी लग रही है ठीक या मान लिया उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे उसको इचिंग हो रही है कोई ऐसी सिचुएशन है तो भी वो आपके क्लासरूम में फोकस नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में भी हमें यह देखना है कि आपके क्लासरूम में जब बच्चा हो तो उसके जो ये फाइव सेंस चैनल हैं वो सेंस चैनल एक यूनिफॉर्मिटी में एक समान एक जगह पे ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हो अलग अलग वो काम ना कर रहे हो कभी कभी देखा है कि आ, अगर मान लिया कोई पढ़ाई चल रही है और कहीं से बड़े अच्छे खाने की स्मेल आने लगे तो अभी जैसे आप लोग घर में बैठे होंगे या आपने आ, कहीं मान लिया छुट्टी नहीं मिली तो इंस्टीट्यूट में है घर पे हैं अगर मान लिया कुछ अच्छा खाना बन रहा होता है तो आपका ध्यान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है बात सुनने के बीच से क्यों क्योंकि आपका जो एक सेंस चैनल है स्मेल का वो भी एक्टिव है उसने जैसे ही वो स्मेल परसीव करी तो वो क्या समझ जाएगा कि उसका ध्यान तुरंत बटेगा कि हाँ कुछ अच्छा बन रहा है तो थोड़ा सा मुझे अपना कैमरा ऑफ करके उधर की ओर मूव करके जाना चाहिए देखना चाहिए क्या बन रहा है लेके आना चाहिए तब खाना चाहिए सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लर्निंग और एक टीचर को ये समझना है कि ये जो पांच सेंस चैनल हैं इन सबको हमें एक जगह फोकस करना है और फोकस करने के बाद हमें बच्चे को उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस के लिए प्रमोट करना है और ये इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग होती है लेकिन हमेशा ये चलती रहती है भले उसमें बिहेवियर में थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कैसे आते हैं आगे अगली स्टेज जो लर्निंग की है वो क्या है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग जब बच्चा सीख रहा होता है तो स्टिमुलस स्टीमुलस के बाद उसके अंदर वर्बल एसोसिएशन की भी एबिलिटी डेवलप हो जाती है वो चीजों को बोल के एक सीरीज बना के सेंटेंसेस की सामने प्रेजेंट करता है उसके बाद चेन लर्निंग छोटी छोटी इंसिडेंट्स को छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से जोड़ने की एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है तो इस स्टेज को हम बोलते हैं चेन लर्निंग क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपीरियंसेस अक्वायर करते हैं तो उन एक्सपीरियंसेस को हमारी मेमोरी में होना भी जरूरी है और उनकी चेनिंग भी पॉसिबल है कोई भी अगर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस अलग एक अलग एक अलग इस तरह से रहा तो वो आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी जब तक बच्चे के अंदर आप चेनिंग की एबिलिटी नहीं डेवलप कर देते हैं अगले स्टेज पे जो एबिलिटी डेवलप होती है लर्निंग की वो होती है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन अबाउट सिमिलर एंड डिसिमिलर फैक्ट्स एक सिचुएशन इस तरह की है एक सिचुएशन इस तरह की है तो हमें दोनों सिचुएशन में किस तरह से काम करना है जैसे रोना रोना क्या है हर दो सिचुएशन में दिखता है एक बहुत आदमी खुश भी होता है और एक बहुत आदमी दुखी होता है तो दोनों सिचुएशन में उसका रोना दिखाई देता है लेकिन वो दोनों रोना क्या है बिल्कुल डिफरेंट है कंप्लीटली डिफरेंट अगली बात उसकी स्टेज आती है कंसेप्ट लर्निंग की जैसे जो भी आप कंसेप्ट बताना चाहते हैं जैसे इनिशियल स्कूल्स में जो आपका कंटेंट होता है वो कंटेंट कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जहां पे बच्चे को कोई बहुत एक दूसरे के बस चेनिंग तक ही बात खत्म हो जाती है हमें वहां पे ऐसा कुछ नहीं करना होता है जहां हमें बड़े बड़े कंसेप्ट को बच्चे को सम, समझाना हो या उन कंसेप्ट को डिफरेंट सिचुएशन में यूज करना हो कहीं दो कंसेप्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना हो अब एक स्टेज जब बच्चे का एक मेंटल डेवलपमेंट एक स्टेज पे हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है लर्निंग की प्रोसेस शुरू होती है आफ्टर लर्निंग लर्निंग स्टेज रूल पॉसिबल। कई तरह के कंसेप्ट अगर बच्चा समझ जाता है तो वो डिफरेंट रूल्स को समझ सकता है और उनको अप्लाई भी कर सकता है और जो सबसे एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग कही गई है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज ऑफ लर्निंग जहां पे बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पिछले ये पूरे के आ जाते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में आ जाता है अब इसको समझने का मतलब क्या है हम इसको क्यों इतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आप लोग लोगों ने देखा होगा साइंस में बच्चे को सेल पढ़ाया जाता है सेल क्लास फिफ्थ में भी वो पढ़ता है एट्थ में भी पढ़ता है टेंथ में भी पढ़ता है ट्वेल्थ में भी ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेल पढ़ता है सेल कोशिका बॉडी जिससे बनी होती है यूनिट कॉल्ड एज सेल अब उसने सेल के बारे में क्लास फिफ्थ में जो पढ़ा था और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था दोनों में कुछ डिफरेंस होता है तो डिफरेंस कहाँ होता है अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी कि हम उसमें कितनी डिटेल चीजें उसको किस स्टेज पे बता सकते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा जिस स्टेज की लर्निंग पर है तो वहां पे हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं तो मान लिया उसके अंदर कंसेप्ट लर्निंग रूल लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की एबिलिटीज नहीं है तो आप उसको बहुत डिटेल चीजें बता के सेल के बारे में आ, कोई फायदा नहीं है लेकिन जो एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जहां पे वो वर्बल एसोसिएशन कर सकता है चेनिंग कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है बिटवीन द फैक्ट्स बिटवीन द एक्सपीरियंसेस तो वहां हम उस लेवल का कंटेंट उसको डिलीवर करें तो हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से किसी विशेष लेवल पे उस लेवल से ज्यादा की भी नहीं होनी चाहिए जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रखा है बच्चा क्लास नाइन्थ में होता है तो वो आईआईटी की प्रिपरेशन की क्लासेस शुरू कर देता है को पता होगा कोचिंग हैं जो प्राइवेट हैं उन लोगों ने फीस जमा कर लेते हैं और मटेरियल आ जाता है संडे को क्लासेस हो जाती हैं सब कुछ होता है तो बच्चा क्या वो चाहे मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम का हो जो आफ्टर ट्वेल्थ उसको अपियर होना है उसके लिए वो क्लास नाइन्थ से ही क्या करता है प्रिपरेशन शुरू कर देता है तो आ, एक तरीके से देखा जाए तो ये सही नहीं है क्योंकि क्लास नाइन्थ का जो बच्चा है उसके अंदर वो एबिलिटीज नहीं होती हैं कि वो उन चीजों को क्या दे कवर अप कर सके मेजर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम क्लासरूम में डील करते हैं और सोसाइटी में भी डील करते हैं तो हमें ये समझ लेना है कि लर्निंग की तीन कैटेगरीज हो सकती हैं पहला कॉग्नेटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग जो संज्ञानात्मक है मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि केवल और केवल हम लोग इसी कॉग्नेटिव एरिया को ही फोकस करते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग बच्चा आपका सोसाइटी में भी बहुत कुछ सीखता है तो हमें इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है फिर उसके बाद बिहेवियरल लर्निंग तो जनरली जितने भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन होते हैं बच्चे में वो आपके कंटेंट के अलावा वो सारे उसके सेल्फ एफर्ट से होते हैं और किसी भी एक्टिविटी को बार बार करने से वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर हो जाते हैं इसको अगर थोड़ा सा डिटेल अभी तो खैर हम इन सबका बहुत डिटेल भी डिस्कस करने वाले हैं लेकिन आ, सिंपल अगर थोड़ा सा आ, समझें तो यहाँ पे जो कॉमनेटिव आस्पेक्ट है उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की गई है जो चीजें मेमोरी में है उनको मेमोरी में रिटेन करना और समय आने पे फिर उसको क्या कर देना रिप्रोड्यूस कर देना लॉजिक uh, इनकोडिंग भी वही आपके मेमोरी का ही डायमेंशन है जब हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो मॉडल्ड बिहेवियर और लर्निंग इन्वायरमेंट की बात की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मान लिया हम ये कहते हैं कि बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है तो बच्चा जो स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जो सीखता है उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उस जिस सोसाइटी में वो जा रहा है वहां पे उस नॉलेज के लिए क्या इन्वायमेंट है या उसका फैमिली इन्वायमेंट क्या है वहां पे उससे उसकी उस लर्निंग को उस एक्सपीरियंस को अगेन रिटेन करने में और मॉडिफाई करने में मदद मिलती है अगर बच्चा उस इन्वॉर्मेंट में नहीं रह रहा जहाँ पे उस लर्निंग का यूज है तो वो फिर क्या होती है वो लर्निंग प्रोसेस वहां से बहुत वीक होने लगती है मॉडल्ड बिहेवियर बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो आप सोसाइटी में देख करके खुद सीख जाते हैं आपको उसके लिए किसी भी अलग से लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जरूरत नहीं होती जैसे मैं हूं, आ, आप एग्जाम्पल देती हूँ आप लोग जो आ, कपड़े पहनते हैं आ, वो कपड़े जैसे आज से जो दस साल पहनते थे जिस डिजाइन के कपड़े पहनते थे वो तो अभी नहीं पहनते हैं तो आपको कौन कहता है कि अब इस तरह के कपड़े पहनिए अब इस तरह के कपड़े पहनिए आपने कुछ एक मॉडल बिहेवियर का अडाप्शन करते हैं जैसे हम ये देख लेते हैं कि करंट ट्रेंड ऑफ फैशन क्या है तो हम उस तरह से उस चीज को क्या करते हैं टेकअप करते हैं इट इज ऑल्सो लर्निंग लेकिन इस लर्निंग के लिए आपको कोई स्पेशल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन नहीं अरेंज uh, करनी पड़ती है आप सामने वाले को देख करके उस बिहेवियर का इमिटेशन करते हैं और इमिटेशन करने के बाद आप उसको क्या करते हैं अडाप्ट कर लेते हैं अपने बिहेवियर में अगला तो ये जो मैं बातें कर रही हूं ये बात क्यों तो इंपॉर्टेंट है इसको भी समझ लेना है अगर लर्निंग के बारे में मॉडल्ड बिहेवियर उतना ही काम करता है तो हमें अपने बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो उस मॉडल्ड बिहेवियर को कर पाए जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि ठीक है हम फैशन ट्रेंड को फॉलो करके उस हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं उस हिसाब से अपना गेटअप बना लेते हैं लेकिन जब हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करना चाहें तो मॉडल्ड बिहेवियर किस तरह से यूज होगा अगर हम जो जिस एरिया में बच्चे काम करना चाहते हैं जो उनके अह लिस्ट में है फ्यूचर लिस्ट में कि हम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्या हम उस एरिया के कुछ लोगों से बच्चे की बात करा सकते हैं क्या उनके काम करने के तरीके से बच्चे को अवगत करा सकते हैं अगर हमने ये किया तो उनको देखकर उनके काम करने के ढंग को उनके लिविंग स्टाइल को उनके बिहेवियर को वो बच्चा ऑटोमेटिकली ही समझ जाएगा कि अगर हमें इस एरिया में जाना है तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए और हमें किस तरह से अपनी लर्निंग में क्या करना चाहिए मॉडिफिकेशन करना चाहिए जब किसी से बात होगी तो पता चलेगा कि वो वहां पे हैं बहुत टॉप पोजीशन में उस एरिया में हैं लेकिन अभी भी वो क्या बीस घंटे पढ़ते हैं जब वो सामने आके बताएंगे या बीस घंटे पढ़ते हैं या मान लिया आ, कोई एक डॉक्यूमेंट्री है जो हम बच्चे को दिखाते हैं कि हाँ इसकी लाइफ स्टाइल कैसी है तब बच्चे को पता चलता है कि नहीं अभी सुसाइड करने की जरूरत नहीं है अभी तो मैं खाली दस घंटे ही पढ़ ले रहा हूं तो काम चल जा रहा है आगे तो जब मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा जिसको कि हम सो कॉल्ड सक्सेसफुल पोजीशन कह रहे हैं जिसके लिए हम सुसाइड कर रहे हैं तो वो पोजीशन पे तो पहुंच के फिर से मुझे बीस घंटे पढ़ना पड़ेगा रोल ऑफ मॉडल इन लर्निंग एज अ टीचर वी शुड ऑफ बिम तो हम बच्चे को जो रियल इतना है जितना भी एबस्ट्रैक्ट लर्निंग कराते हैं उस एबस्ट्रैक्ट लर्निंग से अगर आप रियल कॉन्क्रीट लर्निंग की तरफ ले जाएंगे तो नो no डाउट कोई भी ना तो इवेल्युएशन रिलेटेड प्रोसेस ज्यादा रिटेन कर पाएंगी ना ही आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो दिक्कतें आती हैं उनका आपको भी सामना कम करना पड़ेगा अब किसी बच्चे को अगर आप आज कह रहे हैं ट्वेल्थ में कि बच्चा आठ घंटे पढ़ लिया करो या बच्चा छह घंटे पढ़ लिया करो तो उसके लिए लग रहा है कि नहीं तो बहुत बड़ी बात कह दी हमारे लिए लेकिन जब वो बच्चा किसी और सक्सेसफुल पर्सन को देखता है और वो दिखा रहा है कि नहीं वो तो 12 घंटे पढ़ ही रहा है अभी भी पढ़ रहा है उसको पढ़ना पड़ रहा है उस फील्ड की डिमांड ये है कि पढ़ना पड़ रहा है अब साइंटिस्ट बनना है ये करना है तो साइंटिस्ट की लाइफ को भी तो दिखा देना जरूरी है एक बार पास से कि उसको बाद में कितना क्या कुछ करना पड़ता है तो वो बच्चा ज्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट उस एरिया स्पेसिफिक के लिए लर्निंग कर पाएगा अब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन यहाँ पे मैं डिटेल में अभी जाऊंगी आगे वाली थ्योरीज है तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि हमारे पास समय भी कम होता है अभी भी हम आधे घंटे इस सेशन में हमें बचे हुए चलते हम आगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं जिनको भी हमें ध्यान रखना है एज ए टीचर अपनी क्लासरूम में तो दो तरह के फैक्टर होते हैं एक इन्वामेंटल फैक्टर दो, दूसरे लर्नर फैक्टर दोनों ही फैक्टर मिलके आपकी लर्निंग को क्या करते हैं एफेक्ट करते हैं सबसे पहले कुछ लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी क्लासरूम में भी मोटिवेशन मैचुरेशन लेवल ऑफ एस्पिरेशन साइकोलॉजिकल नीड्स गोल्स इंटरेस्ट एंड स्टडी हैबिट्स ये कुछ ऐसे लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो जब आपके क्लासरूम में लर्नर होता है तो उसकी लर्निंग को एफेक्ट करते हैं कि जब आप टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उन एक्सपीरियंसेस में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ओके okay? अब मोटिवेशन के लिए हमें बच्चे को अगेन वही एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का ही सारा खेल है जितना आप एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को अपने क्लासरूम में यूज करने लगेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉग्नेटिव डोमेन के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी मोटिवेशन हाउ इट इज पॉसिबल आप कुछ सक्सेस स्टोरीज बता करके उस एरिया के लोगों से मिलवा करके उनके कोई टॉक सुनवा के मैचुरेशन एक सफिशियंट एज भी होनी चाहिए कोई क्लास नाइन्थ का बच्चा है और उससे आप आई के प्रश्न सॉल्व कर लेने सीख लेने की एक्सपेक्टेशन ना करें उसके एक प्रॉपर मैचूरेशन लेवल पे भी आने का इंतजार किया जा सकता है उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है मान लिया कोई बच्चा ऐसा है जो अपने घर से बहुत परेशान है उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल अच्छा नहीं है और रोज छोटी छोटी चीजों के लिए क्राइसिस है घर पे और आप तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड अभी क्या है सबसे पहले उसको एक मैसलो की हरारकी हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैस्लो की हैरारकी में जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो सेकेंड पोजिशन पे आती है पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान जब हमें इसमें सब कुछ ठीक से मिलने लगता है तो उसके बाद हम कुछ चीजों को और देखते हैं तो वो कितना उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है 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 वो पढ़ने पे घर पे घर का कितना ध्यान दे पाता है? ये भी हमें उससे क्या करना है? देखना पड़ेगा उसके गोल्स क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है उसकी स्टडी हैबिट्स क्या है फिर कुछ फैक्टर टीचर रिलेटेड होते हैं टीचर की पर्सनैलिटी नो डाउट वो अफेक्ट करती है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कम्युनिकेशन टीचिंग स्टाइल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये जो टीचर का बिहेवियर है जो अपने स्टूडेंट्स के साथ है वो स्टूडेंट्स को समझना उनकी नीड्स को समझना उनकी नीड्स के हिसाब से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉडिफाई करना ये सारे फैक्टर भी किसी भी स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टास्क रिलेटेड फैक्टर्स जो आपका करिकुलम है वो कैसा है उसका लिंकेज दूसरे करिकुलम से है या नहीं है ट्रांजेक्शन किस तरह से उसका किया जा रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितनी पॉसिबल है वो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं मैंने पहले भी बताया था कि अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉसिबल होती है तो बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ज्यादा बन जाता है और इसका फायदा दोनों सब्जेक्ट्स को मिलता है जो पहला एक मेन सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़ रहा होता है उसमें तो मिलता ही मिलता है टू स्ट्रेंथन दैट वेरी नॉलेज और नई नॉलेज को बहुत आसानी से सीख लेने में भी उसकी मदद मिलती है इन्वायमेंटल रिलेटेड फैक्टर बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट के होते हैं जैसे मान लिया क्लासरूम कंडीशन एयरी कंडीशन है क्लासरूम में या suffocated है लाइट है प्रॉपर टेम्परेचर का कैसा है पीसफुल इन्वायरमेंट है या नहीं मान लिया कि आपके क्लासरूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे लगातार शोर आ रहा हो जैसे अभी हम जहा जहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे लगातार एक डिस्टर्बेंस हो रहा हो कोई अभी बाहर धरना प्रदर्शन वगैरह होने लगे आकर के तो हम क्या करेंगे हम क्या प्रॉपरली बातों को समझ पाएंगे प्रॉपरली सुन पाएंगे उनको प्रॉपरली रिटेन कर पाएंगे नहीं तो लर्निंग आपकी इन्वा फैक्टर से भी गवर्न होती है जिनका भी हमें ध्यान रखना है अब अगर बेसिक थ्री अप्रोचेस की बात करें कि हाउ लर्निंग हैपेंस तो तीन अप्रोच हैं जिनके हिसाब से हमें लर्निंग को समझना है तो पहली अप्रोच है बिहेवियरिज्म हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यवहारवाद जो मेनली ये बताता है कि लर्निंग ज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन लेकिन फिर दूसरे आते हैं कॉग्नेटिज्म वाले जिसको कि हम संज्ञानवाद बोलते हैं संज्ञानात्मकवाद ये लोग कहते हैं केवल बिहेवियर मॉडिफिकेशन ही लर्निंग नहीं है लर्निंग तब है जब आपके ये कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आए आपकी मेमोरी में कुछ चेंज आए तो वो लर्निंग है आगे एक अप्रोच आती है कंस्ट्रक्टिविज्म या निर्माणवाद अप्रोच निर्माणवाद वाले लोग ये कहते हैं कि लर्निंग के लिए हमें बच्चे को कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती हैं बस आप एक इन्वामेंट प्रोवाइड कर दीजिए बच्चा खुद बखुद सब चीजें सीख लेता है और बहुत ये नॉलेज जो होती है वो स्थायी होती है एक एक पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है तीनों ही जो आस्पेक्ट हैं चाहे वो बिहेवियरिज्म हो कॉनेटिविज्म हो या कंस्ट्रक्टिविज्म हो वो आपके एजुकेशनल सेटिंग्स में तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के के अलग 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 टास्क टास्क हैं उन हिसाब से आप अगर अलग अलग अप्रोच को समझते हुए क्लासरूम में अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंश्योर करेंगे तो नो डाउट आपकी टीचिंग क्या होती है इफेक्टिव होती है सबसे पहले जो व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म वाले हैं वो क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में कि इट इज एन ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर तो लर्निंग तभी है जब बिहेवियर में कोई ऑब्जर्वेशन चेंज दिखाई दे जिसको कि आप ऑब्जर्व कर पाए अब मैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ जैसे आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो कुछ नए कंसेप्ट आपने जान लिए हो सकता है आप पहले ये ना जानते रहे हो कि learning, तो आपको अभी बाहर से देखने में तो कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा तो व्यवहारवाद वाले ये कहते हैं कि लर्निंग हम तभी कहेंगे जब आपके बिहेवियर में दिखने लगे मतलब आपने सीखा तो तो ये वाली बात कॉग्नेटिज्म यहाँ पे भी हो गई कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली और हमने अपने एक्सपीरियंसेस को मॉडिफाई किया अभी आप लगातार क्या कर रहे हैं लर्निंग तो हो रही है ना कुछ जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं तो ये बात बिहेवियरिज्म नहीं मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम देखेंगे कि आपके बिहेवियर में मॉडिफाई हो गया जैसे आपने ये प्रोग्राम कर लिया अब इसके बाद जब आप अपने इंस्टीट्यूट जाएंगे तो क्या आपकी पहले वाली क्लासरूम और अभी वाली क्लासरूम में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस कैसे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या आपके स्टूडेंट्स को क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन को वो चेंज जो है वो ऑब्जर्वेबल तो लर्निंग तभी मानते हैं जब लर्निंग को आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में रख पाएं। हालांकि हम सभी जानते हैं पॉसिबल नहीं है लर्निंग अभी भी हो रही है हमारी कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है लेकिन व्यवहारवाद वाले ये नहीं मानते तीन तरीके के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने लर्निंग को एक्सप्लेन किया पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो नो डाउट इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशनल सेटिंग्स लेकिन कितना किन किन सिचुएशंस में हम इसको यूज करेंगे ये हमें देख लेने की जरूरत है तो जनरल क्या हैं बिवियरिज्म वालों के प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अप्लाई इक्वली टू डिफरेंट बिहेवियर्स एंड टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अलग है लर्निंग में और हर एक स्पीशीज भी अलग है लर्निंग के लिए लर्निंग प्रोसेस कैन बी स्टडीड मोस्ट स्टडीवली वेन ऑफ स्टडी इज ऑन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर हमें कब दिखता है जब कोई भी स्टिमुलस आए और उसके लिए कोई रिस्पॉन्स कर दिया जाए तभी हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दिखाई देगा और अगर उस बिहेवियर में कोई चेंज हो सपोज जैसे पहले हमने मॉरल uh, एजुकेशन की कोई क्लास कर ली तो हमें पता था कि सामने वाला अगर कुछ हमें चिल्ला रहा है चार अपशब्द भी कह रहा है तो वो उसके स्टेमुलस होते थे तो पहले हमारा रिस्पॉन्स क्या होता था हम भी उसको उस तरीके से बोल देते थे या हम भी उस तरह से एग्रेसिव हो जाते थे तो ये हमारा पहला बिहेवियर था अब हमने कोई एक मॉरल एजुकेशन की हाउ टू डील विद स्ट्रेस ऐसी कोई क्लास कर ली वहां उसके बाद हमें कोई चिल्ला रहा है चार अपशब्द भी कह रहा है तो अब हमारा रिस्पॉन्स क्या है बिल्कुल अलग है तो ये ये कहते हैं बिहेवियरिज्म कि लर्निंग जो है उसको अगर स्टडी करना है उसको अगर समझना है तो केवल और केवल हमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्वे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो चेंज होगा वो हम केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं फिर इसमें इंटरनल कॉग्नेटिव प्रोसेस आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी जो इंटरनल कॉगनेटिव चेंज हो रहा है उसके बारे में ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते और यही बिहेवियरिस्ट अप्रोच की सबसे बड़ी डीमेरिट है इन्होंने लर्निंग को बहुत अच्छे से समझाया लेकिन इन्होंने केवल वो जो कॉगनेटिव अप्रोच को छोड़ दिया इसकी वजह से ये क्या होते हैं फेल हो जाते हैं लर्निंग बिहेवियर चेंज ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न एज ब्लैंक स्लेट्स इनकी जो एक सबसे बड़ी गलती थी वो इन्होंने ये भी कह दिया था कि हर एक इंडिविजुअल क्या होता है टैबुला रासा या ब्लैंक स्लेट होता है जबकि ऐसा होता नहीं है हर एक बच्चे के अंदर एक जेनेटिक मेकअप होता है जो उनके जीन्स होते हैं उन जीन्स में ये क्लियर कट रहता है कि उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी किस किस स्टेजेस पे डेवलप होंगी बस उन एबिलिटीज को डेवलप होने के लिए हमें एक प्रोवाइड करना पड़ता है तो इन्होंने जो ये भी कह दिया था कि कोई भी बच्चा है ये ये कहते थे इनमें से एक वाट्सअप थे तो वाट्सअप का स्टेटमेंट ये था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो मैं उसको जो चाहूं वो बना सकता हूं उनका मानना यह था कि कोई भी वो हो बच्चा किस बैकग्राउंड का है कौन से जेनेटिक मेकअप का है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट आप मुझे दे दीजिए हम उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके जो बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं तो लेकिन ये आज जो साइंटिफिक स्टडीज हो गई हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर है इट इज नॉट पॉसिबल जो एबिलिटीज होती हैं इंटेलिजेंस कैसी होगी बच्चे का एटीट्यूड कैसा होगा वो सारी एबिलिटीज जो है वो आपके जेनेटिक मेकअप में इनबिल्ट होती हैं बस उसके डेवलपमेंट के लिए हमें अप्रोप्रिएट इन्वायमेंट देना होता है तो टैबोला आशा जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। लर्निंग इज लार्जली रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इवेंट ये यही कहते हैं कि लर्निंग में जेनेटिक मेकअप का कोई भी रोल नहीं होता वो इन्वायरमेंटल इवेंट से ही सबसे ज्यादा गवर्न होती है अब हम एजुकेशन सेटिंग में कैसे इसको यूज करेंगे इन्फेसिस ऑन बिहेवियर हम इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद बच्चे के जो बिहेवियर है उसको ध्यान देंगे और बच्चे का जो इन्वायरमेंट है जहां पे वो बिहेवियर मॉडिफाई होता है उस इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत है ड्रिल एंड प्रैक्टिस कंप्लीटली बिहेवियरिज्म पर डिपेंडेंट है आप बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एट द एंड ऑफ द कंसेप्ट टीचिंग कि बच्चा उसका प्रैक्टिस करे जिससे कि उसके बिहेवियर में वो रिलेटिवली परमानेंट हो जाए जो ये रिवार्ड और पनिशमेंट है ये भी आपका बिहेवियरिज्म आस्पेक्ट ही है जब आप बच्चे को किसी पॉजिटिव बिहेवियर के लिए रिवार्ड देते हैं तो वो उस बिहेवियर को बार बार करने की कोशिश करता है और uh, जो कुछ हैबिट्स हैं जिनको कि ब्रेक करने में अगर आपको मदद चाहिए तो भी आप बिहेवियरिज्म की प्रोसेस को यूज कर सकते हैं आप रिवार्ड एंड पनिशमेंट की जो टेक्निक यूज करते हैं उसके थ्रू भी आप कुछ हैबिट्स को क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं अब अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो उन्होंने कंडीशनिंग की बात करी कि लर्निंग कैसे होती है उसको एक्सप्लेन किया ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी उन्होंने सबसे पहले तो इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या कहते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब कोई अननेचुरल स्टिमुलस किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर हो जाए और वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस नेचुरल के प्ले करने लगे तो इस स्टेज को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं इसको मैं डिटेल बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले जाती हूँ जिससे कि ज्यादा समझ में आ जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि एक साइंटिस्ट थे पैवलव ये जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग पे डॉग को इन्होंने आ, अपने लैब में बांध के रखा और उसके बाद उसको आ, सबसे पहले जो पहली कंडीशन है जो दिख रही है बिफोर कंडीशनिंग लिखा हुआ है वहाँ पे वो कुत्ता था वो भूखा था तो जैसे ही उसको खाने की प्लेट दिखाई गई तो वो क्या करता है उसके अंदर सेलाइवेशन जो एक लार का टपकाना एक नॉर्मल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है क्यों क्योंकि भूखा है खाना देखते ही उसने क्या करते है? Uh, की प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो गई एक स्टिमुलस है खाना और जो उसने एक नेचुरल रिस्पॉन्स करी वो क्या था लार का टपकना अब थोड़े समय बाद क्या किया उस कुत्ते के सामने एक भूखा कुत्ता है उसके सामने एक घंटी बजाई तो घंटी बजाने से तो वो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि तो घंटी कोई भी स्टिमुलस नहीं है जिसको कि वो रिसीव करे अब मान लिया कोई ह्यूमन बींग हो वो कोई धार्मिक इंसान होता तो अगर कोई घंटी बजा दे तो हो सकता है वो अपना हाथ जोड़ लेता या कोई स्कूल का बच्चा होता और घंटी बज जाती तो शायद उसकी आंखों में चमक आ जाती कि ये छुट्टी की घंटी है लेकिन एक कुत्ते के लिए जो कि भूखा है उसके लिए घंटी का बजना कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता तो देख सेकेंड स्टेज पे जब उन्होंने बेल बजाई उस कुत्ते के सामने तो उसने कोई भी सलाइवेशन नहीं किया उसके बाद अगले स्टेज में जब वो कंडीशनिंग कर रहे थे जिसकी मैंने बात कही थी कि कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस द प्रोसेसुरस एंड व्हेन दैट वेरी अनचुरल स्टिमुलस एक्वायर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझने में चीज है इससे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी तीसरे स्टेज पे जब कंडीशनिंग कर रहे थे तो कंडीशनिंग का मतलब ये था कि फूड जो एक नेचुरल स्टिमुलस था उसको देने के समय साथ ही साथ घंटी भी बजा दी तो एक नेचुरल स्टिमुलस है एक अन स्टिमुलस है लेकिन उसका सलाइवेशन क्या हो गया फूड को देख करके होना शुरू हो गया अब ये प्रोसेस इन्होंने कई बार रिपीट करी कि जब जब फूड देते थे भूखे कुत्ते को तो घंटी भी बजाते थे साथ में तो वो सलाइवेशन होता था फिर एक स्टेज ऐसी आ गई जहां पे केवल घंटी बजा दी और फूड अभी नहीं भी दिया तो भी सलाइवेशन हो गया तो पहले जो घंटी थी कुत्ते के लिए कोई मतलब की नहीं थी अब वो घंटी कुत्ते के लिए एक स्टिमुलस हो गई जो कि एक काम का स्टिमुलस हो गई और उसके लिए वो एक रिस्पांस करने लगा क्यों तो क्योंकि वो घंटी को पेयर कर चुका है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अगर घंटी बजी तो उसको समझ में आ गया कि बस अब खाना आने ही वाला है अभी तक साथ में मिलता था अब आज पता नहीं क्या हो गया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन खाना आएगा तो ये क्या है ये उस डॉग के लिए लर्निंग का तरीका है यहाँ पे इसने दो के बीच में स्टेमुल करके ये सीख लिया कि यहाँ पे हमें इस तरह से क्या है फूड मिल सकता है तो यही है कंडीशन uh, रिस्पॉन्स जहां पे एक ऐसा स्ट्रीमुलस पहले बिल्कुल यूजलेस था बहुत नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूं लेकिन अब वो एक जो नेचुरल फिनोमेना वाला स्टिमुलस था उसके साथ पेयर हो के उसने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए जो फूड के थे तो अब घंटी बजाने पे ही केवल क्या होता सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अपने डेली लाइफ में देख रखी हैं, अपने स्कूल सेटिंग्स में देख रखी हैं क्या कि आ, टीचर एक तो होता है कि चिल्लाएं तो बच्चा क्लासरूम में शांत होता है या केवल चिल्लाएं नहीं अगर दो मिनट के लिए केवल शांत ही हो गए खड़े हो गए और क्लासरूम आपका बहुत डिस्टर्ब था तो वो भी क्या होता है ऑल ऑफ सडन पूरा शांत हो जाता है तो क्यों क्योंकि बच्चों की कंडीशनिंग हो चुकी है उनको पता है कि जरूरी नहीं कि टीचर ये कहेगा और वो डस्टर या मार्कर को पटकेगा जोर जोर से कहेगा कि बी साइलेंट बी आ, काम आई एम हियर इन द्लास रूम ये सब बोलने की जरूरत नहीं है अगर वो पढ़ाते बीच से दो मिनट के लिए शांत हो गया तो भी एक मैसेज चला गया कि करना क्या है हमें जबकि शांत होकर खड़े हो जाना कुछ ऐसा थोड़ी है कि सामने वाली भीड़ शांत हो जाए लेकिन उसको पता है कि अब क्या करना है क्योंकि अगला स्टेप अभी क्या होगा हो सकता है पूरी क्लास को पनिशमेंट मिले तो दिस इज द स्टेप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग अब मैं पीछे चलती हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है अ फिजिकल इवेंट कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग बिहेवियर इज कॉल्ड स्टिमुलस स्टिमुलस क्या है ये हमें समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी फिजिकल इवेंट जिसने बिहेवियर को अफेक्ट करने की टेंडेंसी हो उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग In which one stimulus comes to serve as a signal for the occurrence of the second stimulus. During classical conditioning, organisms acquire information about the relation between various stimuli, not simple association between the them. In case of classical conditioning, the process of learning is described as a stimulus response connection or association. Classical conditioning theory has been explained with the help of Pavlov's classical experiment.

अचीव कर सकते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ स्टूडेंट्स को मोल्ड कर सकते हैं आ, फिर से इसी को एक बार एक्सप्लेन किया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग में बिफोर uh, कंडीशनिंग जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके लिए कोई रिस्पांस नहीं थी ड्यूरिंग कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए कोई भी अनकंडीशन स्टिमुलसकंडीशन रिस्पॉन्स और लास्ट में न्यूट्रल स्टिमुलस से ही कंडीशन रिस्पॉन्स मिल जाती थी जो की सेलाइवेशन बाई द डॉग विद द द साउंड ऑफ इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो एक ये जो अप्रोच थी क्लासिकल कंडीशनिंग की इसमें हम खाली पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस को यूज करके बिहेवियर मॉडिफिकेशन को अपनी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं मैंने एक एग्जांपल वही बता दिया कि टीचर का जो बिहेवियर है क्लासरूम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है हाँ जैसे हम आजकल क्या करते हैं बोलते हैं कि पनिशमेंट नहीं देना है और सब जगह मना हो गया है तो पनिशमेंट देने की जरूरत थोड़ी है पनिशमेंट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल स्टिमुलस कि आप जब वो पनिशमेंट दें अभी एज अ टीचर आप पनिशमेंट की जगह उसको पेयर कर सकते हैं उससे आप क्लासिकल कंडीशनिंग कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे अननेचुरल या न्यूट्रल स्टिमुलस की, जिससे आपके बच्चे को ये मैसेज मिल जाता है कि हाँ मैंने कुछ गलत बिहेवियर किया है और उस गलत बिहेवियर को वो क्या कर सकता है सही कर सकता है ओके तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन अवर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन और इन अवर क्लासरूम तो मारना मना है पनिशमेंट देना मना है लेकिन आप उसकी कंडीशनिंग किसी दूसरे बिहेवियर के साथ अच्छे से कर सकते हैं और जितना इफेक्टिवली आप उसको यूज करने लगे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अब तो वो भी मार भी खत्म कर दी तो अब टीचर क्या करे टीचर बहुत कुछ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ठीक है आगे चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है आ, यहां पे आ, ये कहा जाता है कि कोई भी लर्निंग की प्रोसेस जब हो रही होती है तो किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पांस होता है वो बहुत प्लान्ड होता है वो क्लासिकल की तरह ये लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं हो जाता है इसमें उस बिहेवियर के लिए कोई एक ऐसा फैक्टर काम करता है जिसको कि हम री कहते हैं तो वो री बार, बार होने के लिए मदद करता है तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले ये बता देती हूँ कि इसमें किया क्या था ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट था मैंने डिटेल नहीं इंक्लूड किया है समय कम होता है तो ये बी एफ स्किनर ने किया था और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पिजन बॉक्स बनाया था एक आ, बॉक्स रखा था उसमें एक पर्टिकुलर पार्टिकुलर प्लेट पे बार बार अगर वो कबूतर उसके अंदर रख दिया और वो कबूतर अगर उस प्लेट पे जाके स्ट्राइक करता था अपनी चोच को तो उसको उस कटोरी में एक दाना गिर के मिल जाता था तो मान वो भूखा हुआ तो पहले पिंजड़े में इधर उधर घूमता था लेकिन फिर उसने वो जो डिवाइस देखा और उसपे अगर उसने एक बार मारा और मारने पे उसको कटोरी में एक दाना गिर के आ गया तो उसको ये समझ में आने लगा कि अगर हम ये बिहेवियर करेंगे मतलब अपनी चोट से इस पर्टिकुलर लीवर को दबाएंगे तो हमें एक दाना मिल जाएगा तो जब जब उसको भूख लगती थी भूख का स्टिमुलस उसके अंदर आता था तो वो इस ऑपरेंट बिहेवियर को करके उस लीवर को दबा करके जब वो दाना उसकी कटोरी में आ जाता था तो वो उसके उस बिहेवियर को और मजबूती प्रदान करता था रिफोर्समेंट यही है कि जो भी बिहेवियर है उस बिहेवियर को और मजबूती दिया जाए उस बिहेवियर को और ताकत दी जाए जिससे कि वो बार बार वो बिहेवियर हो जैसे जब आप क्लासरूम में होते हैं तो ये कहा जाता है कि अपने स्टूडेंट्स को रि जरूर दीजिए जब हम लोग बी एड में प्रैक्टिस टीचिंग करवा रहे होते हैं तो वहां पे एक कंसेप्ट है माइक्रो टीचिंग तो वहां पे हम स्किल ऑफ की बात करते हैं जैसे आपकी में अगर कोई बच्चा है, वो आपके क्लास रूम में बार बार अच्छे से बता रहा है और वो आपने जो असाइनमेंट दिए उसको अच्छे से करके आ रहा है तो आपको भी एज अ टीचर ये जरूरी है कि आप उसकी चीजों को अप्रिशिएट करें तो मान लिया कोई भी बच्चा आपके क्लासरूम में सही आंसर देता है तो आप उसको उसके बिहेवियर को री कर सकते हैं और री करने के लिए क्या करना है बहुत ऐसा नहीं करना है कि आपको बच्चों ताली बजाओ ये आपके क्लासरूम में हमेशा सही बताते हैं क्योंकि तो ये कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा लेकिन एज अ टीचर आप केवल अपने अगर गेस्टर से उसको अप्रिशिएट कर देंगे मतलब आपको वेरी गुड बोलने की भी जरूरत नहीं है आप क्या करें ये देख लीजिए कुछ एक मैसेज है मेरे पास तो कोई आ, कुछ मैं इसको डिक्लाइन कर रही हूँ क्योंकि तो मुझे अपने कंटेंट पे एक्चुअली कमांड चाहिए क्योंकि मैं स्लाइड मूव कर सकूं क्या आप सबके पास राइट्स हो गए हैं क्या आ, इसके प्रेजेंटेशन के चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी किसी आ, से आ, no. है कोई भी टेक्नोलॉजिकल एरर है इट्स ओके okay. हम अपने कंटेंट पे रहते हैं तो रीइंफोर्समेंट में आपको आपने वेरी गुड भी कह दिया इट्स इट्सियंट आपने वो भी नहीं बोला केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस बच्चे को अगर अप्रिशिएट कर दिया तो भी उसको वो पॉजिटिव बिहेवियर करने के लिए क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है वो स्ट्रेंथ मिलती है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये री बहुत इंपॉर्टेंट है तो द एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ ए स्टिमुलस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर इज कॉल्ड एज री एनफोर्समेंट तो जितना हम री अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करेंगे उतना ही हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं और उतना ही हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का फिनोमेना था ये मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे बी एफ स्किनर ने वही एक पिजन बॉक्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया था नेक्स्ट जो थर्ड है बिहेवियरिस्ट अप्रोच की जो लास्ट है यही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें आ, जो मेन काम किया था इस एरिया में वो एक साइकोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने इसमें काम किया था इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉल एक्सपेरिमेंट जहाँ पे वो एक जो खिलौना नहीं होता जिसको कि हम मारते हैं हिट मी करके तो वो फिर से उठ जाता है तो उस एक एक्सपेरिमेंट किया एक बच्चा उसको मार रहा है और दूसरा बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके अंदर एग्रेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह से डेवलप होता है आ, ये मार देख करके ही केवल उसके अंदर क्या हो रहा है क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशन में है ऐसा कुछ नहीं कोई किसी को मार रहा है या कोई उसी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करके बार-बार खड़ा हो रहा है इट्स अ गेम लेकिन एक बच्चा जब उसको ऑब्जर्व कर रहा होता था तो उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर को ज्यादा ऑब्जर्व किया गया तो ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये जो सोशल लर्निंग का जो एक पार्ट है वहां पे कई सारे फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन अटेंशन मान लिया आ, फैशन ट्रेंड है लेकिन बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे जो कुछ भी फैशन ट्रेंड चलता रहे लेकिन वो अपने हिसाब से ही रहते हैं एक ही तरीका रहता है तो क्यों क्योंकि वो उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं देते उनको यह देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें हमारा अपना एक लाइन ऑफ एक्शन है तो आ, सोशल लर्निंग में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में एक तो मोटिवेशन भी होना चाहिए अटेंशन भी होना चाहिए मेमोरी भी होनी चाहिए और मोटर स्किल्स का भी इन्वायमेंट होना चाहिए लेकिन जब हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको यूज करना चाहें तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो बच्चा है उसका सोशल इन्वामेंट क्या है वो कहाँ रह रहा है क्या क्या कंडीशंस हैं? अब इसमें तो हम कुछ इम्प्रूव तो कर नहीं सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो क्या हो सकता है कि हम उन बच्चों के लिए कोई दूसरे मान लिया कोई स्लम एरिया में बच्चा रह रहा है तो आप उसके लिए करेंगे क्या कुछ नहीं जैसे अभी वो जो कल मैंने इंसिडेंस बताई तो वो जो डेली में इंसिडेंस हुई तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो वो ये बता रहे हैं हैं लोग कि दिल्ली का जो जो एरिया एरिया है उस में जो बच्चे वहां पे बहुत सारे मतलब एरिया वहां से बच्चे आते हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है भाई आठ घंटे आप भी तो स्कूल में बच्चे को रखते हैं तो आप ही कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दीजिए कि उससे उन बच्चों का बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो जाए और वो बिहेवियर कंटेजियस हो जाए उनकी सराउंडिंग में तो आप आठ घंटे में ऐसा कुछ क्यों नहीं दे देते बच्चे को कि वो वहां पे जाकर के उस दिखाए तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी कुछ चेंजेस आ जाए तो हमें ये देखना है कि हम उस बच्चे के लिए और क्या कर सकते हैं बहुत अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो आप उसको हॉस्टल्स की फैसिलिटी दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट uh, स्कूल है तो अगर हॉस्टल की फैसिलिटी है अगर प्राइवेट मैनेजमेंट पर चलता है तो अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसे सोशल एरियाज हैं जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो वहां पे भी आप बच्चे को एक बेटर देने के लिए हॉस्टल्स का ऑप्शन भी आ, दे सकते हैं इस तरह से अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वॉट इज द इन्वायरमेंट एंड वट टाइप ऑफ सोशल लर्निंग इज हैपनिंग फॉर योर स्टूडेंट तब आप अपनी क्लासरूम की टीचिंग पे भी बहुत अच्छा एक कमांड कर पाएंगे और उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे इन जनरल हम एज ए टीचर ये सब बातें कभी सोचते नहीं हमारा खाली एक क्लासरूम से मतलब होता है और उसके बाद हम इस तरह की सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं जहां पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते और हम ये कहते हैं कि यह चाइल्ड प्रॉब्लमेटिक हो गया है या ऐसा ऐसा हो गया सोसाइटी ही ऐसी हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियरिस्ट अप्रोच सेकेंड अप्रोच Which is of मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि वालों ने बहुत कुछ अच्छा बताया लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो एक, में है, उस चेंज को एक किनारे कर दिया और उसको कंसिडर नहीं किया जबकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो जो आपके कॉग्नेटिज्म वाले हैं तो ये मेनली इनका फोकस उन्ही अनऑब्जर्वेबल चेंज इन मेंटल प्रोसेस पे रहता है आप केवल ऑब्जर्वेश लर्निंग नहीं कहेंगे जो मेंटल इवेंट हो रहे हैं उनको भी आप लर्निंग की कैटेगरी में आपको रखना पड़ेगा क्या है जनरल एजम्शन Cognitive theory: some learning processes may be unique, unique to human being. Cognitive processes are the focus of study. Objective, systematic observation of pupil behavior should be the focus of scientific inquiry. However, inferences about unobservable mental processes can often be drawn. Individuals are actively involved in learning process.

ये केवल तभी पॉसिबल हैं जब हम कॉग्निटिव चेंजेस को कंसीडर करें पीपल ऑर्गेनाइज द थिंग्स दे लर्न एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है रिटेंशन करने के लिए उनको सेट किया जाता है उन एक्सपीरियंसेस को जो वो लर्न करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन इज मोस्ट ईजली अक्वायर्ड वेन पीपल कैन एसोसिएट इट विथ थिंग्स दे ऑलरेडी लर्न बार बार मैं बोल रही हूँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जो पहले चीजें सीखी हुई हैं उनसे अगर हम जोड़ के नई चीजें सिखाते हैं तो लर्निंग जल्दी अच्छे से हो जाती है पीपल कंट्रोल ओन लर्निंग अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो थ्योरी है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी मुझे लगता है टाइम हो गया है hmm. मैडम क्या करना yes, है मैम अब तो वन वन हार का तो लंच ब्रेक है फिर वी विल कंटिन्यू हाँ. फ्रॉम oh. वन थर्टी तो मैं ऐसा ही करती हूँ इस स्लाइड पे रुक लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे छह सात मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने पे और हमारा टाइम खत्म हो गया है तो मैं मैडम क्वेश्चन है हाँ बताएं हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आता है वो कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट उनका आंसर रहता है कि नहीं तो ऐसे बच्चों को हम कैसे प्रोत्साहित करें हाँ मोटिवेशन तो जैसे हम बच्चों के अंदर ये जो नहीं वाला कहने का जो गुण आ जाता है वो क्लासरूम की वजह से आ जाता है क्लासरूम में क्या होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें दिक्कत होगी तो आपको एज अ टीचर सबसे पहले अपने क्लासरूम बिहेवियर पर ध्यान देना है जो आपके केवल मैंने कहा था कि जो आ, अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो 16% परसेंट एब एवरेज होंगे 70% परसेंट एवरेज होंगे और टीन परसेंट बिलो एवरेज भी होंगे तो आपको एवरेज बच्चों को भी क्लासरूम के पार्टिसिपेशन में मौका देना है ना कि केवल वो जो क्लास में आगे तीन चार बेंच में बैठे रहते हैं जिन्होंने पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन के वजह से अपना कोर्स पूरा कर रखा है वो हमेशा सही आंसर दे रहे हैं तो आप उनको रिन्फोर्स कर रहे हैं मोटिवेट कर रहे हैं आप जो एवरेज बच्चे हैं या जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको अगर मेन स्ट्रीम में ला करके मोटिवेट करने के लिए लर्निंग में पार्टिसिपेट कराने में सक्सेसफुल रहेंगे तो वो बच्चे आगे से बोलने की भी हिम्मत करेंगे और हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बात और इनबिल्ड करनी है कि हमें एक्सप्रेस करना है अपने आप को ये जरूरी नहीं कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं और इसके लिए जो आप लोगों को एक और सजेशन होगा कि जो कल बातें कर रही थी कि बहुत और चीजें भी हैं असेसमेंट के लिए तो प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग जो प्रेजेंटेशन लेते हैं वो क्यों लेते हैं क्योंकि हम तो टीचर एजुकेशन में हैं तो हमें तो बच्चे को टीचर बना के सामने खड़ा करना है पोडियम पे और आप सब समझ रहे होंगे बहुत ऑनेस्टली जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है क्लास में उधर बैठने में चालीस लोगों में जो मजा आ रहा होता है वो सारा मजा जब हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे को खड़ा कर देते हैं सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बच्चे कभी कभी कांप रहे होते हैं बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे होते हैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं तो ये जो नेचर ऑफ एक्सप्रेशन है वो स्कूल के हर एक स्टेज पे हर बच्चे के लिए कंपलसरी किया जाना चाहिए जैसे कभी कभी मॉर्निंग असेंबली होती है तो वहां पे भी स्कूल्स में कुछ बच्चे फिक्स हो गए या कॉलेज में यही सब कुछ डील करेंगे यही बोलेंगे यही बताएंगे नहीं इट शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट जैसे आपके इस प्रोग्राम में मैडम ने रोज के लिए वोट ऑफ थैंक्स और इंट्रोडक्शन के लिए फिक्स कर दिया ना लोगों को ये तो नहीं है कि कुछ दो ही लोग बोलेंगे सब लोग बोलेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पे सारे आप लोग टीचर हैं तो बोल तो सब लोग लेंगे टीचर से तो जैसे अब मुझे क्या है डेढ़ घंटे से लगातार बोल रही हूँ आप और रात तक बुलवाते रहिए तो मैं बोलती रहूंगी सुनने वाले के पास कैलिबर होना चाहिए तो हम टीचर्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन बच्चों का क्या है जब वो हेजिटेट करते हैं बोलने में है। इवन मैं क्या बोल रही हूँ अगर आप में से मैं किसी से कह दू तो आप अभी आधे घंटे एक घंटे आराम से बोलते रहेंगे इन्हीं स्लाइड्स पे क्योंकि टीचर के अंदर ये क्वालिटी तो है ये तो लेकिन जब बच्चा जो कि हेजिटेट कर रहा है बोलने में फ्रंट में आने में आप उसको ये सारी आ, इनकलकेट कीजिए एबिलिटीज केवल आप क्लासरूम से भी नहीं आउटसाइड द क्लासरूम की भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें आप उसको आगे लाइए और कोई क्वेश्चन तो जैसे हमारी जो को -किरे -किरे एक्टिविटीज होती हैं या स्कूल्स के जैसे मान लिया कभी फील्ड ट्रिप होते हैं कोई स्कूल्स लेवल पे होते है, ओलंपियाड होते हैं हैं या कॉलेज लेवल पे भी अगर कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जहां पे हम अपने को बोल सकते हैं सेमिनार या कॉन्फ्रेंसिस में पेपर प्रेजेंट करना अपनी बात रखना प्रेजेंटेशन देना ओपन डिफेंसिस में पार्टिसिपेट करना ये सब चीजें अगर हम बच्चे के साथ रखेंगे तो उसके अंदर एक बोलने वाला कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है जो आज की सोसाइटी में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और इम्पोर्टेंट बात जो ये सुसाइडल टेंडेंसीज हैं जो देखी जाती हैं बच्चों में वो बेसिकली उन बच्चों में देखी जाती हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं दो तरह की पर्सनालिटी होती है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट एक तो होते हैं जो बहुत बोल लेते हैं सब कुछ बोल दिया एक होते हैं जो चुप रहते हैं तो एक ये भी प्रॉब्लम है बच्चे को आपको एक्सट्रोवर्ट बनाना है अगर वो शांत रहने वाला कंप्लीटली आप नहीं चेंज कर सकते पर्सनालिटी किसी की लेकिन थोड़ा तो थो चेंज कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगर उसको कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो वो सुसाइड तक ना पहुंचे वो अपने को एक्सप्रेस तो कर पाए ना सामने वाले के साथ आई थिंक नो मोर क्वेश्चन इज देयर तो मैं अभी इसको एंड कर रही हूँ और हम लोग फिर मिलते हैं और शार्प वन पे मैं ज्वाइन कर लूंगी और सभी आप वन थर्टी तक आ जाइएगा जिसमें हमें वहाँ पे वेट ना करना पड़े क्योंकि देखिए इधर मैं आपका ले रही हूँ थैंक यू मैम थैंक यू मीट एट मैमिली थैंक यू